हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन रचनास किचन। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि मैं बनाऊंगी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से, यानी कि जो हमारे गोभी होती है उसके जो डंठल होते हैं, आप डंठल देख रहे हैं, उससे हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी एक सब्ज़ी और जो कि बहुत अच्छी लगती है। इट्स काइंड ऑफ अ साइड डिश और आप अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। गोभी की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उन सभी रेसिपीज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वो भी आप चेकआउट कीजिएगा। और ये जो गोभी के डंठल की सब्ज़ी जो हम बनाने जा रहे हैं वो भी बनाइएगा और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए देखिए कैसे बनाएंगे गोभी के डंठल। विंटर्स शुरू हो चुकी हैं और विंटर्स में सबसे अच्छी वेजिटेबल्स आती हैं और मैं ले आई हूँ गोभी। आज बनाऊंगी गोभी पर निकाल दूंगी इसके सारे के सारे डंठल। अब कई बार ऐसा होता है कि डंठल फेंकते भी दुख होता है, क्योंकि जब गोभी हम लाते हैं विंटर्स में खासतौर पे बहुत फ्रेश डंठल होता है, सॉफ्ट होता है और खासतौर पे ये विंटर्स में आप बनाइए। तो हम बनाएंगे आज गोभी की नई डंठल की सब्जी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये गोभी में से डंठल को निकाल दूंगी इस तरह से, और फिर ये जो गोभी बचेगी ना इसकी तो हम बना लेंगे सब्जी। और मैंने दो गोभी की डेलिकेसीज आपके साथ शेयर ऑलरेडी की हुई हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, चेकआउट कर लीजिए। देखिए हमारा जो गोभी है और डंठल है दोनों अलग हो चुके हैं, तो इसको आप कट कर दीजिएगा, जो बिल्कुल लास्ट का पार्ट होता है उसको निकाल दीजिएगा, वो पकती नहीं है, बड़ी मुश्किल करती है पकने में। अब ये देखिए डंठल तो हमने कर ली अलग, और इसमें से ये जो पत्ते हैं इसके रिमेनिंग वो निकाल देंगे और जो भी खराब सा पार्ट है वो भी हम निकाल देंगे, और ऐसे इतने बड़े बड़े पीसेस हम कर लेंगे। बहुत छोटे पीसेस नहीं करने हैं इसके, हमको मीडियम साइज पीसेस रखने हैं, और अगर डंठल थोड़ा छोटा हो तो उसको काटने की भी जरूरत आपको नहीं है, बीच से कट कर लेंगे क्योंकि काफी मोटा होता है ना। और फिर इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि जितनी भी मिट्टी है ना वो निकल जाए। डंठल एकदम मस्त साफ हो गए हैं, वॉश भी हो गए हैं, सारे कटाई भी हो गई है और पत्ते वत्ते भी सारे निकल चुके हैं। चलिए अब हम बनाते हैं इसकी सब्जी। ये जो सब्जी है मैं बनाती हूँ सरसों के तेल में। आप जो भी तेल यूज करते हैं वो तेल में बना सकते हैं, पर सरसों के तेल का एक अलग ही फ्लेवर होता है। जैसे ही तेल अच्छा गर्म हो जाएगा उसमें मैंने डाल दिया है अजवाइन 1/4 टीस्पून, जीरा और डाल दिया है मैंने हींग। इन तीनों चीजों को अच्छे से तड़कने दीजिए, और फिर हमने ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट, और इन सभी चीजों को अच्छे से स्टर कर लीजिए। जैसे ये तीनों चीजें तड़क जाएंगी तो जो हमारे डंठल थे वो हम इसमें डाल देंगे और उसे तल लेंगे। एक्चुअली ये डंठल पहले तलने का रीजन ये होता है कि कई बार डंठल थोड़े से कड़क होते हैं तो वो पकते नहीं है जब हम मसाले में भूनते हैं, तो ऐसे हम ना धीमी आंच पे अगर हम तल लेंगे तो डंठल कच्चे पक्के ऑलरेडी हो जाएंगे, फिर मसाले के साथ भी हम उसे पका लेंगे तो जल्दी पक जाते हैं, इसलिए मैं इसको पहले तल लेती हूँ थोड़ा सा। आप चाहे तो ये अवॉइड कर सकते हैं, बट इससे थोड़ी सी क्रिस्पीनेस और आ जाती है डंठल में। डंठल अच्छे से पक गए हैं, अब इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। नमक हम कम ही रखेंगे, फिर नमक के बाद हम इसमें बाकी सारे मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च स्वाद अनुसार रखेंगे, थोड़ी मैंने डाली है कश्मीरी और थोड़ी डाली है देसी लाल मिर्च। चुटकी भर हल्दी, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर हमने लिया है 2 चम्मच जितना, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, धीमी आँच पर हम इसे भुनेंगे। डंठल काफ़ी हद तक मैंने ऑलरेडी पका लिए थे तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा ड्राई लगने लगा था तो मैंने क्या किया, थोड़ा पानी डाला और उसे अब हम ढककर पकने देंगे 4 से 5 मिनट तक। 4 से 5 मिनट देखिए हो चुके हैं और डंठल जो है हमारी बढ़िया दिख रही है, तेल छोड़ दिया है मसाले ने और बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। इस टाइम पे एक मैं टिप ज़रूर देना चाहूँगी, कई बार डंठल पकने में थोड़ा तकलीफ करता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कुकर में उसको एक विसल भी दे सकते हैं, और बस मैं इसको ढक कर 1-2 मिनट और पका लूंगी। ये देखिए हमारे डंठल कितने अच्छे दिख रहे हैं, एकदम पक गए हैं, तेल छूट गया है, शक्ल ही चेंज हो गई ना डंठल की। गैस बंद करने के बाद इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर और गरम मसाला। तो ये मैंने सब्जी बना दी है आपके लिए डंठल की सब्जी। विंटर्स में एटलीस्ट मैं कहूंगी डंठल बिल्कुल मत फेंकिए, बहुत सॉफ्ट डंठल होते हैं, मजेदार होते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है उनका। ये एक साइड डिश की तरह आप खा सकते हैं, अपनी गोभी की सब्जी बनाइए, गोभी मुसल्लम बनाइए या शादी वाले गोभी, जो कि मैंने दोनों के वीडियो आपके साथ शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी, वो बनाइए और साथ में डंठल भी सर्व कीजिए अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली को। बनाइएगा ज़रूर, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसे बनी थी आपकी डंठल की सब्जी। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ किसी का वेट ना करें, जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।
ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।